कल जो भीम संसद कार्यक्रम जदयू द्वारा प्रस्तावित था पटना में, ये हम क्या बोलेंगे पूरी दुनिया देख रही है, पूरे बिहार के आम आवाम जनता देखी है। पूर्व से भी ये कार्यक्रम जदयू पार्टी द्वारा प्रस्तावित 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से जदयू का जदयू कोटे से जो भी SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री थे उनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम मनाया जाता था। आप भीम संसद कर रहे हैं, एक और दलितों को सम्मान की बात करते हैं, और आज ये कार्यक्रम जो भीम संसद जो कार्यक्रम हुआ, दूसरी ओर आप वहाँ के जो आपके जो SC/ST कल्याण मंत्री हैं उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। दूसरी बात है, विडंबना सबसे बड़ी ये बात है कि जिस भीम संसद की आप चर्चा करते हैं, जिस दलितों के सम्मान की आप बात करते हैं, आप देखिए ये पूरे नेशनल TV चैनल पे चल रहा है, उन्हीं के पार्टी के जो SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री है रत्नेश सदा जी, आदरणीय रत्नेश सदा जी, उनको भरी मंच पे बीच में ही मैगजीन लिया जाता है अशोक चौधरी के द्वारा, जो कि अपने बात को रख रहे थे, जिसमें टोला सेवा, तालमी मरकज, विकास मित्र का नियोजन की बात और 5 डिसमिल जमीन की बात, नगर निगम क्षेत्र में जो गरीबों को मिलता है, और जो गरीबों के जन कल्याण की जब बात करने लगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, जब मांग करने लगे कल्याण मंत्री जी, तो बताइए उनको भरी सभा में उनको मैक छीन लिया जाता है। ये कहाँ से आपको दलित सम्मान की बात लगता है जदयू द्वारा? दूसरी बात है, जिस तरीका से एक सप्ताह पूर्व सदन में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मांझी साहब को तुम तड़ाक करके अपमानित किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, बताइए उसी प्रकार भरे मंच पे लाखों की भीड़ में बताइए एक सम्मानित कैबिनेट मंत्री है, कल्याण मंत्री है, और उनको बोला जा रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा कि तुमको हम बनाए हैं, तुमको कुछ पता है, आप बैठिए, तुम बैठो, बताइए, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब बताइए इससे क्या साबित करना चाहते हैं? एक ओर करते हैं कि हम दलित को सम्मान दे रहे हैं, हम भीम संसद कर रहे हैं, और दूसरी ओर है कि दलितों का अपमान कर रहे हैं, ये तो पूरे दुनिया देख रहा है। ये सरासर समझिए ये ढकोसला है जदयू पार्टी का, एक दलितों का ये समझिए कि दिखावा है कि हम दलित का प्रेम कर रहे हैं बस, और ये कुछ नहीं है।